मुझे अपना सर्वेंट रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, हम पर भी कोई रहम कर दो, कर दो, कर दो सिस्टर, इन पर भी रहम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम जा रहे हैं वे मॉल में। पहले भी वे मॉल गई हुई हूँ, लेकिन आज फिर से जा रही हूँ दोबारा, और क्योंकि हमारे साथ समीर आया है तो उसको घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं वे मॉल। तो मैंने आपको वे मॉल का पूरा व्यू बताना है, आप ब्लॉग में बने रहे, कुछ भी मत स्किप करिएगा। समीर बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे को वे मॉल लेके जा रहे हैं। फ्रेंड हर जगह से रिक्शा गाड़ियाँ मेरे ऊपर ही चढ़ी है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है वसीम ने सही बात बोली है ना। बारे 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 हमें जिस पे मन करेगा हम उसी में बैठेंगे, यहाँ से जबरदस्ती कर रहे हैं। फ्रेंड्स मेरे को सीट नहीं मिली है तो आंटी ने जो है मेरे को सीट दी है, अपनी गोदी में बिठाया आंटी ने। आंटी हाय कर दो, कर दो हाय। के पास पहुंच चुके हैं, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये है वे मॉल। अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे वे मॉल के अंदर एंट्री। फ्रेंड्स फाइनली हम वे मॉल के अंदर एंट्री कर चुके हैं। हर एक मीठी चीज मिलती है यहाँ पे। मिस्का भी खड़ी होगी कुछ ले रही है, मिस्का देखती है बेचारी। मिस्का कभी कुछ लेके देंगे। विशु क्या लेना है, कुछ लेना है? सिम नीचे चलते हैं यार। वसीम क्यों गालियां पड़ रही हैं? क्यों गालियां पड़ रही हैं आपको? किस बात की गालियां पड़ रही हैं? वे मॉल को देखकर आपको क्यों गालियां पड़ रही हैं? मैं कब इनके लायक हो जाऊं? पहले भी गई थी पता है ना, जहाँ से मैं पहली बार गई थी ना दिल में मेरे को बहुत डर था। वसीम वसीम पता क्या डराता है, वसीम पता क्या बोलता है, बोलने लगा जब अक्सर ये कुत्ता आप यही करें। मम्मी दीदी डर लग गया था।
चांद तेरे को जाना है मसाज करवाने के लिए? नहीं मेरे को नहीं करवा ले मसाज। मिस बा जा रही है, मिस बा शायद मसाज करवाने वाली है। कैंडी फ्लोर पर 80 रुपीज़ सिर्फ एक ही मिला। क्या कैंडी फ्लोर? ये देखो ना, वो नहीं बचाओ। कितने का? 80 रुपीज़ का। कितना बड़ा होगा? अब ये ट्रेन है ना, कहाँ की ट्रेन? ट्रेन में बैठ के चल सुनिए, कई ट्रेन ये घूम कर आती है ना, फिर वहाँ पर जाके रुकती है ना। वसीम आप ये बैठे हुए यहाँ पर क्या पूछो? हाँ, तो कर रही हूँ, मुझे बता रहे वही तो नहीं भैया। बस मेरे को मोबाइल से देखा रहेंगे यार, थोड़ा सा पीछे तो हो जाओ, मैं वीडियो बना लूँगी। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं इसलिए कि यहाँ पे कोई आएगा हमारी सेवा करेगा लेकिन कोई आ ही नहीं रहा इधर। चांद
तूने क्या खाना है? कुछ नहीं खाना, तू तो अभी कह रहा था मैं पिज्जा खाऊंगा। वसीम तो बोल रहा है मैं भी पिज्जा खाऊंगा। चांद क्यों मुंह खोल रहा है? चांद को ये सब चीजें देख के ना मुंह में से पानी आ रहा है बेचारे को। यहाँ पे हर लड़की को देखकर दीवाना हो रहा है बेचारा, बोल रहा है कोई तो मुझे अपना सर्वेंट रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, हम पर भी कोई रहम कर दो, कर दो, कर दो सिस्टर, इन पर भी रहम, बॉडीगार्ड रख लो, कोई तो रख लो, वसीम को या चांद को। नहीं चांद, तूने बॉडीगार्ड रहना है क्या? हाँ, जो हमारे साथ आए थे वो गुम हो गए, हमें मिल ही नहीं रहे। चार बार हम लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, वो कह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर आकर पहुंचे, वो अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाए। मेरे फोन में बैलेंस भी नहीं कि मैं उनको कॉल करूंगी पूछूं कहाँ है वो। वो फोन, उनने दो बार कॉल किया, उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, लेकिन वो यहाँ पर आई नहीं है। समीर पता नहीं कहाँ चला गया, मत वो किडनैप हो गए हो। ठीक है, हम आ गए वापस वे मॉल से, अभी बाहर ही खड़े हैं, तो अभी करते हैं हम ब्लॉग का एंड यहीं पर। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमने सर से कहा कि स्कूटी के ऑफर के बारे में बताओ, लेकिन सर ने नहीं बताया क्योंकि सर को कैमरे के सामने शर्म आ गई। फ्रेंड्स, दिवाली तक स्कूटी का ऑफर चल रहा है, जिसको भी लेनी है वो जाकर ले सकते हैं। मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, लेकिन स्कूटी तो मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई।